बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच की त्रब ब्रह्म किम धयातम की करम पुरुषोत्तम अधिभूत चकी परवोक्त मधि देव किमुचयते। अर्जुन ने कहा हे भगवान हे पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। तात्पर्य इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भगवान कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है जिससे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन आत्मा शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अधियज्ञम करथ कराओ को वत्र देहौ सिमनम धु सुधन परमा परिणाम काले च कथम त्रेसोसी नियताम भीम। हे मधुसूदन यज्ञ के स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तात्पर्य अधि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासन देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुत यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि श्री कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुत वे ये सारे प्रश्न जो शंकर के रूप में है शंका के रूप में है अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अंत ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं क्योंकि कृष्ण असुरों के मानने में सिद्धहस्त थे। अंत अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। इस श्लोक का परयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना में लगे रहते हैं यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं
के अन्य के अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल में भीतर प्रकट हो सके। यह रूपक इसीलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊँ तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा कि नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। गौर श्री कृष्ण महाराज की जय। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावम ध्यातम मुच्यते भूत भावोद्र वरको वक्रो शिवर्गम कर्म संक्षितम। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य है, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है, कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। सर्वलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुण्य मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की
वेदी में पांच अग्नियों को पांच प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये पांच अग्नियां सर्वलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये पांच प्रकार की आहुतियां होते हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। अब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे वह वीर्य से परिणत होता है, जो स्त्री के घर में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुण्य यज्ञ करता है और पुण्य वही चक्कर चलता है। इस प्रकार जीव साक्षात रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कुछ न भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्णा भावनामृत ग्रहण करता है और इस संसार इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवद गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को अद्भुत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा साक्षात अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर कभी नीचे नहीं गिरता। अंत यह विचार के ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्रहम नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म को परब्रह्म से पृथक माना जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अधिभूतम क्षरो भावम पुरुष धरादि दैवतम अधियज्ञोम हमेवात्र दैहे दैव भृतानुवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अभिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तात्पर्य यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतम भौतिक शरीरों को यह को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अभी अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा का विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधि दैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन
उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अंत उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अंतकाले च मामेव समरुन्न मुक्त्वा कलेवरम् य परायाति स मतरावयाति नासत यत्र संशयम्। और जीव के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्णा भावना भावित की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्णा भावना में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है। अंत जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव के लिए नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावना का अभ्यास नहीं किया। अंत मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अंत मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जाप करने वाले व्यक्ति को अनेक विधानों का सामना करना पड़ सकता है तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्णा भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।